सुस्वागतम सुस्वागतम खेतवाड़ी पांचवी गली सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल सभी गणेश भक्तों का सहर्ष स्वागत करते हैं। सुस्वागतम। इस साल भगवान विष्णु के 10 अवतार का दर्शन दिखाने जा रहे हैं। आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलय काल की जल राशि में डूबने लगेंगे। उस समय मेरी प्रेरणा से बहुत बड़ी नौका आएगी। तुम सप्तर्षियों के साथ बैठकर विचरण करना। आंधी चलेगी तब मैं मत्स्य रूप में आकर तुम लोगों की रक्षा करूंगा। देवताओं समुद्र मंथन के अंत में अमृत निकलेगा, उसे पीकर तुम अमर हो जाओगे। कच्चा रूप धारण कर मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लूंगा। प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मैंने वराह रूप धारण किया है। मैं ब्रह्मा जी के नाक से अंगूठे का आकार धारण कर वराह शिशु के रूप में आऊंगा और पर्वताकार होकर गर्जना करते हुए महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करूंगा। हिरण्यकश्यप का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रह्लाद, यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता बता इस खंबे में वो है। इस खंबे पर मैं अपने हाथों से प्रहार कर देता हूं। देवराज आज निष्कांचन हो गया है। मैं उसकी माता आदिति के वयोवृद्ध से प्रसन्न होकर गर्भ से वामन रूप में अवतार लूंगा। हे वामन, मैं बलि राजा हूं। आप कुछ भी मांगे आपको ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। मैं महर्षि शुक्राचार्य बलि राजा, ये दान मत दो, ये भगवान की लीला है। भगवान विष्णु ने तीन मांगे मांगे, पृथ्वी स्वर्ग और तीसरे में स्वयं बलि ने अपने आप को सौंप दिया। नारायण नारायण
हयभूषण क्षत्रिय राजा सहस्त्र बाहु अर्जुन, गांव पलवानु साधु पर अत्याचार हो रहे हैं। मैं जमदग्नि ऋषि के पत्नी रेणुका के गर्भ से परशुराम के रूप में अवतार धारण करूंगा। मैं अयोध्या के राजा दशरथ की रानी कौशल्या के गर्भ से राम अवतार लूंगा। देवकी के आठवें गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण करूंगा। युद्ध के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और शाश्वत सत्य का उपदेश दिया। भगवान का अमर संदेश गीता के रूप में आज भी जन जन का कल्याण कर रहा है। मैं मायावती देवी के गर्भ से भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लूंगा। संसार दुखों में है, राग द्वेष और अहंकार को छोड़ देने से जीवन की मुक्ति होती है। सत्य, निर्भयता, सदाचार, सद्विचार, सद्गुण, सद्बुद्धि, ऊंचा लक्ष्य और उच्च ध्यान, ये आठ साधन नए मनुष्य की उन्नति के लिए बताए हैं। मैं दसवें अवतार के रूप में कल्कि का अवतार लूंगा। कलि युग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुबुल, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जो छल कपट कर सकेगा वो उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। वे पुराण की निंदा करेंगे। कलयुग का अंत होते होते पृथ्वी पर हिंसा और जातीय संघर्ष बढ़ जाएगा। ऐसे स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं अवतार ग्रहण करूंगा। उसी समय सत्य युग का प्रारंभ हो जाएगा। प्रजा सुख और चैन से रहने लगेगी। भगवान विष्णु स्वयं गजानन के रूप में आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। Oh,